सुप्रभात बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 8 सर्वनाम से। सर्वनाम यानी जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाम जो सबके लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसी सर्वनाम से संबंधित बातों को अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करेंगे जुड़िए और समझिए से। यहाँ देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमने इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो आपको यहाँ पर कुछ चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र भी है, वो इसी यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसी से संबंधित चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। विकास 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो जो शब्द है हमारे ऊपर वो हैं, उन्हें ध्यान रखिए, उसके, वह, उसे और वे। और हमने इन्हीं शब्दों से नीचे के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। विकास 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह एक समझदार लड़का है, तो हम वह भर देंगे यहाँ पर। वह एक समझदार बालक है। डैश माता पिता शिक्षक हैं, तो यहाँ उसके भर देंगे, उसके माता पिता शिक्षक हैं। डैश डैश बहुत प्यार करते हैं, तो हम भरेंगे वे। उसे बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ देखिए वे आ गया माता पिता के लिए और उसे आ गया विकास के लिए। बहुत प्यार करते हैं, उन्हें विकास पर बहुत गर्व है। यहाँ पे उन्हें जो शब्द है वो भी विकास के माता पिता के लिए आ गया, तो वह भी यहाँ पर देखिए, जो वह है वो विकास के लिए आ गया है। उसके माता पिता, जो यहाँ हमने उसके शब्द इस्तेमाल किए, वो उनके माता पिता के लिए आ गया है। तो इसी तरह से उसे बहुत प्यार करते हैं, वे उसे बहुत प्यार करते हैं, मैं वे उनके माता पिता के लिए, उसे विकास के लिए आ गया, उन्हें विकास पर बहुत गर्व है, तो उन्हें यहाँ पर उनके माता पिता के लिए आ गया। तो आइए हम पढ़ेंगे आगे। बच्चों आपने ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग विकास के लिए किया गया किया। बार बार विकास शब्द ना लिखना पड़े, इसलिए वह, उसके, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम सर्व जोड़ नाम, अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे कि रिया मेरी बहन है, वह बहुत तेज दौड़ती है। आशीष मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। उपयुक्त शब्दों में लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आइए हम नीचे का उदाहरण देखें। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हम लड़के के बारे में भी लिख सकते हैं कि वह जा रहा है, और लड़की के बारे में भी हम लिख सकते हैं कि वह जा रही है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। तो देखिए यहाँ एक वचन रूप उनके कौन कौन से होते हैं। एक वचन में हो जाता है मैं, मेरा, तुम, वह, यह, उसे और इसे और उसे। और बहुवचन रूप में क्या हो जाएगा, हम, हमारा, तुम लोग, वे, ये, इन्हें और उन्हें। ये हो गया बहुवचन रूप। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो इनके जो 6 भेद होते हैं उन्हें हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। लेकिन आप जान लीजिए कि वे 6 भेद कौन कौन से हैं। वे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसे बड़ी ही आसानी से हम याद कर सकते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निज। ऐसे करेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, नीच। तो इस तरह से याद कीजिए और सबके आखिर में वाचक लगा देंगे तो ये जल्दी से याद हो जाएगा आपको, सभी भेद के नाम। चलिए अब हम एक एक करके सभी भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो भेद है सर्वनाम का वो है पुरुषवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे उदाहरण, देखिए, तुम कहाँ जा रही हो, एक बालक पूछता है एक बालिका से। मैं घूमने जा रही हूँ, इनका जवाब है मैं घूमने जा रही हूँ। तो यहाँ एक बोलने वाला है और यहाँ भी दूसरी सुनकर फिर उसको जवाब देती है। तो यहाँ मैं, जैसे उत्तम पुरुष में मैं जो है वो क्या हो गया, बोलने वाला यानी वक्ता। मध्यम पुरुष तुम सुनने वालों के लिए इस्तेमाल होता है, इन्हें हम श्रोता कहते हैं। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। अन्य पुरुष में अन्य सभी के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द, और ये हो सकता है वह। चलिए अगला पढ़ेंगे हम इसका। इसका अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे हम इसकी परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे यह मेरी साइकिल है, देखिए यह मेरी ही साइकिल है, अगर हम कहें तो इसमें बिल्कुल निश्चित होने का पता चलता है। वह मेरी बहन है, यानी ये मेरी बहन है, इससे भी निश्चितता का पता चलता है। तो जिन शब्दों से निश्चितता का पता चलता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका भी आप नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि जिन शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का पता लगे उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ देखिए परिभाषा, जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते हैं तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। आइए हम इसके उदाहरण देखेंगे। यहाँ देखिए, कोई तुमसे मिलने आया है, कोई मिलने आया है यानी किसी निश्चित व्यक्ति का पता यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, कमरे में कुछ रखा है। यहाँ देखिए, कमरे में कुछ रखा है, यहाँ पर कुछ रखा तो है लेकिन क्या रखा है इसके बारे में निश्चितता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि इन ऐसे वाक्यों के आखिरी में प्रश्नवाचक निशान लगे होते हैं। अब जैसे देखिए, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। अब यहाँ देखिए उदाहरण, बाहर कौन आया होगा, आखिर में देखिए प्रश्नवाचक लगा हुआ है, बाहर कौन आया होगा, ठीक है, तो प्रश्नवाचक लगा है इसलिए हमें इससे पता चल जाएगा कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो, तो यहाँ देखिए जो वाक्य है वाक्य के आखिर में क्या लगा है, प्रश्नवाचक लगा हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और इससे हमें पता चल जाता है कि तुम कहाँ रहती हो में कहाँ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम पढ़ेंगे अब संबंधवाचक सर्वनाम, जो यहाँ पे संबंध को प्रकट करता है, एक से दूसरे का संबंध प्रकट करता है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। ये शब्द अगर होते हैं हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्यों में, तो उनसे हमें संबंधवाचक सर्वनाम का पता चलता है। जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है,
देखिए आप यहाँ पे, जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है, तो जो और वह एक दूसरे को का संबंध बता रहे हैं, तो इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ देखिए, जिसने मेहनत की उसने फल पाया, तो यहाँ जिसने और उसने, जिसने मेहनत की उसने फल पाया, तो जिसने उसके लिए ही संबंधित है, तो जिसने और उसने में जो संबंध है वो संबंधवाचक सर्वनाम को बताता है। चलिए अगला जो हमारा सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है, और निजवाचक यानी निजता का बोध कराने वाला, स्वयं का बोध कराने वाला। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अब यहाँ उदाहरण देखिए आप, माँ मैं निबंध अपने आप लिख लूँगी, यहाँ अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, तो स्वयं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। तो ये देखिए हमारे सर्वनाम के ये सभी 6 भेद पूरे हो गए। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा था। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं, हम, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह और निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए होता है। कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित प्राणी और वस्तु के लिए होते हैं। कौन, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो, जिसने, उसने, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। और स्वयं, खुद, अपने आप आदि निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये सभी सर्वनाम के 6 भेद हमने पढ़े। आइए हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप वीडियोस में जाइए और वीडियो को रोक रोक कर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से लिखते जाइए अपनी नोटबुक में। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण दीजिए जिससे निश्चितता का पता चले। ठीक है, तो उसका एक उदाहरण आपने यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण आपने वीडियो में से देखकर लिखना है, या आप स्वयं से भी लिख सकते हैं, या मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वह मेरा भाई है, या वह मेरी बहन है, या यह मेरा बस्ता है। ऐसा जो निश्चित चीज़ का पता चलता है जिन शब्दों से, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कौन से हैं। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनसे निजता का या स्वयं का पता चलता है। तो मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। चलिए हम आगे कुछ अभ्यास भी यहाँ पे कर लेते हैं। आइए अब लिखें, निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए। अब यहाँ देखिए, खाली स्थान को हम भरेंगे, आप डैश मिलना चाहते हैं, आप किनसे मिलना चाहते हैं। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक है, तो हम भरेंगे आप किनसे मिलना चाहते हैं, यहाँ किनसे भर दीजिए। देखो ऊपर कौन चढ़ा है, तो यहाँ पे कौन भर देंगे हम, देखो ऊपर कौन चढ़ा है, क्योंकि ये भी प्रश्नवाचक है। परिश्रम किया डैश इनाम पाया, जिसने परिश्रम किया उसने इनाम पाया, तो जिसने यहाँ पे भर देंगे, जिसने परिश्रम किया उसने इनाम पाया, ये आप अपनी बुक में भरते जाइए। राधिका अपना काम स्वयं कर रही है, तो यहाँ स्वयं भर देंगे। डैश यश का भाई है, तो क्या भरेंगे हम, वह यश का भाई है, निजवाचक सर्वनाम हो गया, वह यश का भाई है, ये बिल्कुल निश्चित है और यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का पता चलता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे हमें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। आइए हम शुरू करेंगे, प्यास लगने पर मैं जंगल में पानी की खोज में आगे बढ़ा, यहाँ पर मैं सर्वनाम है। मैंने देखा कि थोड़ी दूर पर, यहाँ मैंने भी सर्वनाम है, थोड़ी दूर पर एक कुआं है, वहाँ
कुछ बालक खड़े हैं। उनकी बातचीत से लग रहा था कि उनसे कोई चीज खो गई है। मुझे देखकर वे, तो यहाँ मुझे हो गया, देखकर वे अपने आप मेरे पास आ गए। यहाँ देखिए हमने सभी सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, सही पर टिक अथवा गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ये सही है। निश्चित वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, हाँ हमने भी पढ़ा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अपना कार्य स्वयं करें वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल। सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आते हैं, सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आते हैं, नहीं, संज्ञा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के भेदों के नाम बताइए। अब आपने इसका भेद बताना है। अब यहाँ पे मैंने देखिए पेंसिल से लिख दिया है और मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगी, तो मैं यहाँ पर जो पेंसिल से लिखा है मैंने उसे देखकर आप अपनी बुक में भरिए। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के भेदों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ देखिए, मुझे कुछ काम करना है, कुछ काम करना है से अनिश्चय का पता चलता है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक लगा है यहाँ पर, तो कहाँ यहाँ पे जो शब्द हो गया वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह, तुम और मैं शहर चलेंगे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जो लंबा लड़का है वह मेरा मित्र है, जो लंबा लड़का है वह मेरा मित्र है, तो यहाँ पे देखिए जो और वह, इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध, तो ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। मेरा वस्ता भारी हो गया है, तो मेरा वस्ता यानी निजता का पता चलता है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो आप ये भर लीजिए और यहाँ पर देखिए मैंने भर दिया है, तो देखिए यहाँ आपका ये पाठ पूरा हो गया सर्वनाम का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसके अभ्यास को भी समझ लिया होगा। आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही बरकरार रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।